नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको वैकेंसी के बारे में डेली अपडेट कराया जाता है, इसी क्रम में आज फिर एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। AMD एटॉमिक मिनरल में वैकेंसी आ चुकी है। काफ़ी सारी वैकेंसी है, इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, साइंटिस्ट की वैकेंसी है और भी डिफरेंट वैकेंसी है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, नई चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको डेली अपडेट मिलते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस तरह से आप वेबसाइट पे जब पहुँच जाएंगे तो इसके एडवर्टाइजमेंट में आपको पहुँचने के लिए जो इसका एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स में जिसका पे स्केल है 35,400 है और मिनिमम जो इसकी एज है अनरिजर्व के लिए 30, OBC के लिए 33। आपकी जो भी एज काउंट होगी ध्यान है वो 24/10/2021 के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंट होगी। और इसमें दोस्तों BSc मांगा गया है, केमिस्ट्री में 35,400, इसमें भी BSc है, अनरिजर्व के लिए 30, EWS के लिए 30, OBC 33, ST के लिए 35 है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी में 35,400, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 35,400, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 35,400 का वेतन है, इलेक्ट्रिकल में 35,400 का है, सिविल में 35,400 का है। और टेक्नीशियन की बात आती है, टेक्नीशियन में फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 21,700 है। और इसमें जो प्राइड जो इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रुप सी के रिगार्डिंग है, मिनिमम 60% मार्क्स इन SSC में होने चाहिए और प्लस आपके पास में ITI NCVT में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपका 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो एज है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि 24/10 से काउंट की जाएगी, अनरिजर्व के लिए 25 है और OBC के लिए 28 है। लेबोरेटरी में 21,700 है, प्लम्बर में 21,700 वेतन है, बाइंडिंग में 21,700 का वेतन है और प्रिंटिंग में 21,700 का है, डील में 21,700 का है। दो दोस्तों, जो ये मैंने अभी बताया वो टेक्नीशियन की थी। अब बात आती है अपर डिवीजन क्लर्क की। अपर डिवीजन क्लर्क का पे स्केल 25,500 रुपये आपका है और जो आपका डी है, जैसे कि सब में है आपका, उसके हिसाब से डी है आपके अलाउंस में आपके बैठते हैं। ये ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी आती है दोस्तों, और इसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है जो कि 50% मार्क्स के साथ मांगा गया है। इंग्लिश के लिए आपकी टाइपिंग की स्पीड 30 होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। इसी में ड्राइवर की वैकेंसी भी है 19,900 की, इसमें से 10 क्लास मांगा गया है। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का आपको जांच का अनुभव भी होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18,800 रुपये है, इसमें 10 क्लास मांगा गया है। आपका जिस दोस्तों इसके हिसाब से मिनिमम हाइट है, जैसे कि जनरल के लिए 157 मेल और 157 फीमेल के लिए है, ठीक है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया के लिए 165 और 155, ये दोस्तों मिनिमम हाइट है, ठीक है। और ऐसे चेस्ट के लिए मेल के लिए जनरल के लिए 80 है और 55 है, और इसी तरीके से जैसे कि हिल एरिया है वहाँ के लिए 80 और 55 माना गया है, ठीक है। और इसका जो फीस है दोस्तों, वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी मतलब जितने भी साइंटिफिक की वैकेंसी मैंने अभी आपको बताई थी उसमें 200 रुपीज़ इसकी फीस है। टेक्नीशियन के बी के लिए 100 रुपीज़ है, अपर डिवीजन क्लर्क की 100 रुपीज़ है और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 100 रुपीज़ है, सिक्योरिटी गार्ड की भी 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। अब आपको दोस्तों इसका एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो किस क्रम में होगा। दोस्तों जो इसका साइंटिफिक का जो एग्ज़ाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, -1 की निगेटिव मार्किंग है और एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। यहाँ पे आपको मैथ साइंस जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैथ्स के 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे। और आपका इसी में स्टेज 2 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर क्वेश्चन होंगे जिसके ऑब्जेक्टिव होगा और 150 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग आपकी होगी और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। स्टेज 2 में दोस्तों, जैसे कि स्टेज 3 में होगा, स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 2 के जो कैंडिडेट पास कैंडिडेट होंगे उसके 4 से 5 गुना बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका जो फिर अपर स्टेज 3 में जो आपके हैं, जैसे कि 4 से 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपका स्टेज टेस्ट होना है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव में जो होगा लेवल 1 होगा, लेवल 1 में आपका जनरल इंग्लिश के 25, जनरल नॉलेज के 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 आपके, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 300 नंबर के होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है,
माइनस वन की निगेटिव मार्किंग है, एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। अब पेपर 2 जो होगा आपका, उसमें लेवल 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको इंग्लिश के लैंग्वेज होगा, जिसमें कंपटीशन लिखने को आएगा। ऐसे नोटिंग आपको हो सकता है, आपको लिखने को आएगी। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा आपका, ठीक है। मार्क्स 100 नंबर का मार्क्स का आपका होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसे ड्राइवर के लिए दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन है और ड्राइविंग टेस्ट होगा उनका। नंबर क्वेश्चन 100 होंगे, 100 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ड्राइवर किसी प्रकार की भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होना है दोस्तों। तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इंडिया में अहमदाबाद में है, बेंगलुरु है, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम में, इन जगहों पे आपका एग्ज़ाम होना है। और दोस्तों इसी तरह से आपका जो आपकी डेट है आपका, जैसे कि 9 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है वो 24/10/2021 जिसकी लास्ट डेट रखी गई है। पेमेंट भी आपको 24/10/2021 से पहले ही करना होगा। तो आप दोस्तों इस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए आपको इस तरह से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप वन टाइम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक फॉर्म ओपन होगा। आपको पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आप अपने फॉर्म को पूरा फिलअप कर पाएंगे। अगर आपको ये फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होगा। धन्यवाद।